अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं एक सिंगर, उनका नाम है उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नाम है ना आपका? ठीक बोला ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको अपना इंट्रोडक्शन अगर आपने कराना तो आप कैसे कराएंगे, प्लीज़ करा दें। मैं इस तरह करवाऊंगा कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ और सिंगर हूँ, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए राइटर प्रोड्यूसर जो है वो बहुत नॉन आर्टिस्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिनमें बड़े बड़े अच्छे नाम है। फलक है। नाम क्या? अच्छा, फलक और अमरिंदर गिल है, गुरु रंधावा है, डॉक्टर ज्यूस है, लंबी लिस्ट है, शो इसी पे खत्म हो जाएगा। बात कर लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, कोई अगर किसी बंदे से आप मिलते हैं कहीं पे, ठीक है, वो अगर आपको पहचानता नहीं कि मैंने आपका कोई गाना नहीं सुना हुआ, ठीक है, तो आप उसे भी इग्नोर करते हैं उसी तरह, या फिर आप उसे अपना गाना सुना कर रिमाइंड कराते हैं, ये गाने मैंने बनाए, ये गाने मैंने बनाए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो जब पूछ, जब एक बंदा पहचानता नहीं तो बताने का क्या फ़ायदा। अगर वो पूछ भी ले आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं बेल हूँ। नहीं, आप नहीं चाहते वो आपका फ़ैन बन जाए? नहीं, फैन जब देखे वो मेरा काम सुन के बने, बताने से थोड़ी ना बने। यानी इस तरह तो फिर डॉक्टर साहब ये हो कि सड़क पे गाना गाना शुरू कर दूं। हाँ। क्या हो यार, सारे मेरे फैन बनो। तो ठीक है ना, आपका गाना सुन के आपके फैन बनेंगे ना? तो वो उसके लिए एक तरीकाकार है ना। अच्छा। एक टीवी है, सोशल मीडिया है, सारी चीजें हैं, वहाँ पे देख के बने। रोड पे नहीं? नहीं नहीं, रोड पे गाना चाहिए। नहीं, मैंने सुने रोड पे गाना गाने से पैसे मिलते हैं। मैंने एक दफा सोचा था कि बिजनेस बहुत ज्यादा है, फिर मैंने सोचा टीम पूरी बनाऊं, लेकिन फिर बस वो भी अरमान आंसुओं में बह गए, नहीं कर सका। तो लेकिन सोचा जा सकता है, अभी कर लें। लेकिन हमें एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत है, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो फिर उसको किया जा सकता है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, मगर मुझे उसमें से 10% चाहिए होगा। किस चीज का? जो भी आप कमाएंगे पैसे। लेकिन उसके साथ फिर आपको हमारे साथ ढोलकी पकड़ के भी जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। हाँ, फिर तो बनते डॉक्टर। हाँ, इतने कम पे नहीं, फिर मैं आऊंगा। फिर बात, हाँ ठीक है, वो मैं अलग होंगे पैसे। जरूर जरूर, ठीक है, सोचा जा सकता है इसके बारे में, ये ठीक है। अच्छा आपका क्या ख्याल है, ठीक है, कोई बंदा 3 गाने गा कर, ठीक है, सिंगर बन सकता है या नहीं, ज्यादा गाने गाने चाहिए? डॉक्टर साहब नसीब की बात है, कईयों का बेचारों का 1 क्लिक कर जाता है, कईयों के 10 नहीं करते। ठीक है, ये तो सारी नसीब की बात है, जिसका कर जाता है वो एक ही गाने से सारी जिंदगी खाता है, जिसका नहीं करता वो फिर बेचारा पैसे लगाता रहता है। ये तो आपके कंटेंट पे, कंटेंट से ज्यादा डॉक्टर साहब ये आपके जो है ना नसीब मैटर करता है, किस्मत मैटर करती है। डॉक्टर नहीं हूं मैं, शेख हूं, शेख। शेख साहब नहीं, आप, मैं, मेरे लिए इज्जत की जगह पे है, तो वो जो जिस इंसान को मैंने इज्जत देनी हो मैं उसको डॉक्टर बोलता हूं, लेकिन मैं शेख साहब पे आ जाता हूं। ठीक है, नहीं वो जो असली डॉक्टर होते हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, माइंड कर जाएंगे। हां हां हां, चलिए शेख साहब, ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आपके नाम से, ठीक है, आपका नाम अगर उमर मलिक इंटरनेट पर सर्च करो, एक और सिंगर भी आते हैं उमर मलिक, तो पता कैसे चलता है वो कौन सा उमर मलिक है और आप कौन से उमर मलिक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब मेरे साथ, ओ शेख साहब मेरे साथ कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। मतलब आप अगर YouTube पे या Google पे सर्च करते हैं ना उमर मलिक लिखे, अच्छा उमर मोस्टली जब लोग सर्च करते हैं वो लिखते हैं UMAR। हाँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ OMAR से। हाँ, OMARMALI के मलिक लिखेंगे वहां पे YouTube के पहले 2-3 पेजेस आपको मेरे कंटेंट से ही पढ़ने में मिलेंगे। वो जो वो है वो OMER के साथ है। OMER? हाँ, बस मेरा ए लगेगा। अच्छा वो आप ए वाले हैं? हाँ, वो ई वाले हैं? वो ई वाले हैं, एक अब उई वाला ना। हाँ ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं आप दोनों में, वो भी सिंगर है आप भी सिंगर। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने शेख साहब कभी भी इनको सुना नहीं। अच्छा, इत्तफाक नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन अब मैं सुनूंगा जरूर, मैं देखूंगा कौन सा उमर और आ गया। ठीक है, कंपटीटर पैदा होते जा रहे हैं और हमारा अभी आए, अभी 2 महीने पहले आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं मेरा कभी इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन सुनूंगा। चलें हो जाएगा। वैसे मुझे बताएं आपने कभी शक्ल अपनी आईने में देखी है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं शेख साहब जब भी देखता हूँ ना मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। हाँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना मुझे खुद को अपनी नज़र लग जाती है। हाँ वही वही मैंने नोट किया है, जितने गोरे और क्यूट और प्यारे आप हैं ना, इतने आमतौर पर मर्द होते नहीं है। डॉक्टर साहब आगे माशाल्लाह भी लगाए। चले माशाल्लाह, मगर इतने प्यारे और इतने गोरे को ना मर्दों को सूट नहीं करता ये। तो डॉक्टर शेख साहब क्या करूँ फिर, क्या करूँ मैं फिर, 3 टाइम तो पिच खिलौना शुरू कर दूँ। हाँ, के रंग मेरा काला हुई है। यस यस, अल्लाह की देन है शेख साहब, देखे ना लोग क्या क्या करते हैं। आपने कभी अपनी लाइफ में क्लीन शेव कराई है कुछ? बहुत बुरा लगता है। पिकअप कैसे लगते हैं शेख साहब? सब ने भाग चले,
बहुत बुरा लगता हूँ। कैसे, क्यों? आज से 5 साल पहले करवाई थी। हाँ हाँ। यकीन करें वो करवा के मुझे लगा था कि उन मेनू नहर तक खिलौना चाहिए। आए, यस यस यस, वो है ना, वो इसी तरह समझ गया। जी जी, उसके बाद फिर नहीं, मैं कह नहीं। ठीक है ठीक है, यानी आपको वो काम मुश्किल लगा था। हाँ, बहुत मुश्किल जैसा मुश्किल, तकलीफ दे। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपके इतनी गोरी रंगत है, आपका कोई अंग्रेजों के खानदान से कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं। तो फिर ये क्यों आपने फेयर एंड लवली लगाई? हाँ, फैजा लगाई है। अच्छा, फैजा का ये काम है जी। फैजा कौन है, आप जानते हैं फैजा को? फैजा मेरी क्लास फेलो थी। क्लास फेलो थी, उसने आपका रंग किया ऐसा? नहीं, वो क्या, मुझे मैथ की जो है वो पीरियड में मसाज करती थी डॉक्टर। अच्छा, ये मेरी खुद की मेहनत शामिल है। अच्छा, खुद की मेहनत। आपने यानी फैजा क्रीम यूज की थी? बिल्कुल। ठीक है, नहीं की, लोग पके ना हो जाए, बाकी नहीं थी डॉक्टर साहब। ये मेरी मेहनतें शामिल है इसमें, इंतहा वाली मेहनतें। रंग में कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर साहब, जब आप 3 साल घर से बाहर नहीं निकलेंगे, धूप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, फिर चाय नहीं पियेंगे, चाय नहीं। फिर ये पिछले 5 साल में मेरे लंदन के बहुत चक्कर लगे हैं, वहाँ का फिर आपको पता है मौसम, एनवायरनमेंट, वहाँ पे तो बंदा धूप देखने के लिए तरस जाता है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा बचा के रखे, अब तक बचाता है। आप भी उधर जाते रहते हैं, लंदन वाली जगह? जी हाँ, मैं भी एक दफा गया था इधर ही ना, ये इसके उधर क्या नाम, रेलवे स्टेशन के पीछे जो है। रेलवे स्टेशन के पीछे आप क्या लेने गए थे? लंदन के कपड़े, वहीं की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही पहुंचे। जैसे प्यार से मैं उसी की बात कर रहा हूं, गंडा कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए लंदन वही है। यस, नहीं आप भी वहीं पे आए हैं? नहीं नहीं, जाते किसी और की बात, असली वाले, असली वाले। नहीं मैं भी मजाक कर रहा हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, इतने ये गोरे प्यारे होने का आपको नुकसान क्या होता है? नुकसान? हाँ। डॉक्टर साहब, लड़के फ्लैट हो जाते हैं, वो बड़ा इनसिक्योर फील करते, उल्टा काम हो जाता है। ओहो, बहुत। कोई लड़का आई लव यू बोल देना। हाँ। मैं कहना हूं इनसे तो परे परे रहो, बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप कभी पेशावर गए हैं? गया था, सिक्योरिटी के साथ गया था डॉक्टर। अच्छा, शेख साहब 3 माह पहले मेरा पेशावर में कॉन्सर्ट था। हाँ। और मैं पहला कॉन्सर्ट करने जा रहा था पेशावर, पहले यहाँ से वहाँ पे कॉल करवा के जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया, फिर मैं पेशावर कॉन्सर्ट करने गया, क्योंकि मैंने बहुत गलत सुना था पेशावर के बारे में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जिस पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा, वो एक और जो सिक्योरिटी रीजंस और सब कुछ था। ठीक ठीक, आपने खुशबू तो नहीं लगाई थी? लेकिन शेख साहब एक बात है, वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया भाइयों वाला, प्यार हो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, भाइयों वाली प्यार होता है वो। बहुत बहुत मेहमान नवाज। तो सबने एक साथ प्यार दिया या नहीं? नहीं, अलग अलग। सबने साथ प्यार दिया, और वो बाहर बैठ के प्यार दिया जिहड़ा तुसी कह रहे हो वो वाला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्यार मिला आपको? आपको अकेला छोड़ते ही नहीं था, हर टाइम 3-4 लोग साथ होते थे। दिल करता आप हर हफ्ते जाएं पेशावर? नहीं डॉक्टर साहब, अपनी दिल करता, अपनी दिल। अच्छा, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पूरा प्यार मिल गया आपको। मैं क्या, बाकियों को भी दिया जाए ना, बस पेशावर थोड़ी ना, सारा तो नहीं आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान हमारा है तो पेशावर वाले की खास ने। ये भी है, ये बिल। अच्छा मुझे बताएं, कोई अगर सिंगर, ठीक है, फिल्म या ड्रामे का कोई ओएसटी ना गाए कभी भी, ठीक है, यानी वो गाना गाए, तो उसको क्या करना चाहिए? सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये कौन सी किताब में लिखा है? वैसे पूछ रहा हूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्यों नहीं कर, अगर नहीं गाना तो आप खुद करो। अच्छा, आपने सर, आप अपना गाना करो, अपनी वीडियो करो, वो रिलीज करो, ठीक है, और हमारे सामने तो कई मिसालें हैं, एक नहीं कई हैं, कि जिन लोगों ने अपना गाना किया, आतिफ कहाँ से क्लिक किए? आदत से। ओएसटी तो नहीं गाया था उससे पहले, फिल्म तो, फिल्म में तो नहीं गाया था। अली जफर क्लिक किए छन्नों से, ओएसटी तो नहीं गाया था। नहीं, तो ये तो बस शेख साहब सारी दिमाग की है ना। आप अपने आप को जिस तरफ लगाए तो वो दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग बादाम खाया करें। ये ठीक है, ठीक है। और भी कोई चीज मैंने सुने वो भी खानी चाहिए? क्या? गिरी। गिरी भी खाए। हाँ। सर का हफ्ते में 2 दफा मसाज भी बंदा करवाए। किससे? तेल से। अच्छा अच्छा अच्छा, सरों का। कोई है अच्छी जगह जहाँ पे मसाज होते हैं? मैं बताता हूँ, आपने शेख साहब शो ऑफ होते ही ना, आपने चले जाना है चबुर्जी। अच्छा। दायरा नहीं। हाँ, ग्राउंड बॉल। हाँ। उधर आपने जाके ग्राउंड पे लेट जाना है, देखे। नहीं नहीं नहीं, वो आजकल बड़ा मसला चल रहा है। नहीं, किस चीज का? वो उसका ना, वो नहीं नहीं, आपने मसाज करवाना है। नहीं नहीं, किसी को मैं हाथ लगाने नहीं, नहीं दे सकता। अच्छा, आपको ठीक है। हाँ, कोई ऐसी जगह यानी उससे पहले आप लगवाते रहे? नहीं नहीं नहीं, वो आजकल ज्यादा है रश।
मेरा इसलिए दिमाग नहीं कहा कि मैंने ये मसाज नहीं करा, आपने कराया हुआ, आपका इसलिए दिमाग चलता है। नहीं नहीं आप मुझे क्यों लगा रहे हैं, ये क्या वजह क्या नहीं है? आपने पूछा मसाज वाली कोई जगह है, मैंने आपको ठीक है नहीं मैं अच्छी जगह की बात करता, पता नहीं किधर पहुंच गए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि ना आपके मैंने गाने देखे हैं, नहायत दुखी, ठीक है, लगता है आपके ना बहुत ज़्यादा दुख और टेंशन भरी हुई, कोई आपका दिल टूटा था, क्या वजह हुई? बस डॉक्टर साहब क्या बताऊँ आपको, ये कहानी भी उसके साथ ही चली गई। कहाँ गई वो? वो भी बाहर चली गई है या फिर ऊपर चली गई, कहाँ चली? नहीं वो किसी और के साथ चली गई है। अच्छा किसी और के साथ भाग गई थी? नहीं भाग नहीं गई, इज्जत से शादी करके गई है डॉक्टर साहब। तो लेकिन दुखी मैं उससे भी पहले से हूँ। अच्छा उससे पहले दुखी हो? और ये मुझे भी नहीं पता क्यों कैसे। अच्छा तो फिर दुखी क्यों गाने गाते हैं? बस डॉक्टर साहब देखिए अंदर से जिस चीज की आवाज आती है वो चीज कलम के जरिए बाहर आ जाती है। अच्छा मुझे तो डकार की आवाजें आती हैं। किसकी? डकार की आवाजें आती हैं। आप फिर डॉक्टर को चेक करवाएं। अच्छा तो फिर ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल इनो पिया करें। इनो? इनो उससे डकार बड़े कम आते हैं। इनो को नहीं मैं जानता। मगर फिर भी स्लो था, ठीक है। वो डॉक्टर साहब जो है वो अच्छा वो सही वाले डॉक्टर है या फिर वैसे नाम के साथ डॉक्टर? नहीं नहीं मैंने एक दफा शेख साहब उनसे सवाल किया। हाँ। मैं जब लंदन गया रिकॉर्डिंग वगैरह करने, मैं कहा डॉक्टर साहब है तुसी ना देना डॉक्टर क्यों लाया है? हाँ। कहते यार मैं पढ़िया नहीं सा तजे। क्या क्या? पढ़े लिखे नहीं है इसलिए डॉक्टर लगाया हुआ है। कैसा है? अच्छा यानी जिन लोगों ने डॉक्टर अपने साथ लगाया होता है वो सारे पढ़े लिखे नहीं होते? अक्सरियत ऐसी है, हमारे सियासतदान देख ले बैठे बैठे डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। वो भी जो डॉक्टर अमर लियाकत, ओहो कई ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहमान मलिक। आप अपने ईमान से बताएं लगते हैं शक्ल से डॉक्टर? नहीं 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 लगते हैं लेकिन अब मैं इंटरव्यू के दौरान अच्छा, बता नहीं सकता कौन। इसलिए आप मुझे डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी आपको पढ़ा लिखा नहीं लगता? नहीं नहीं आप मुझे वाकई में डॉक्टर लगते हैं। अगर आप एंकर ना होते तो आप डॉक्टर होते। ठीक है मुझे लगा शायद मुझे भी आप इसलिए डॉक्टर कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं ये डॉक्टर ज़ियोस के साथ मसला क्या है, वो क्यों काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ ना गाने गाने, वो उन्हें क्या कहते हैं फ्री में काम मिल रहा होता है या क्या वजह, उन्हें और कोई काम नहीं होता? एक्चुअली पाकिस्तान के कई ऐसे, सियालकोट को अगर आप ले लें या फैसलाबाद को ले लें, उनकी पंजाबी और इंडिया की पंजाब की पंजाबी ये बहुत ज़्यादा मैच करती है। ठीक है ठीक है। और शेख साहब काम की बात है, जहाँ पर जिसको पसंद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इंडिया यूके यूएसए काम करता हूँ तो मुझे वहाँ की एक वाइब पसंद है, वहाँ का काम पसंद है, तो इस तरह फिर जरा आपको वहाँ की क्या पसंद है? वहाँ की वाइब। अच्छा वाइब मुझे लगा वो वाइफ का है आपने। नहीं नहीं नहीं, नहीं वाइफ तो पाकिस्तान की ठीक है। अच्छा अच्छा सिर्फ यहाँ की पसंद है। ठीक है ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के कई आर्टिस्टों के साथ काम किया, वो उनकी भी एक आदत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा, उनको जहाँ टैलेंट नजर आए उठा ले। कुछ के साथ उन्होंने काम किया उनमें कोई टैलेंट नहीं था? जैसे कि? नहीं मैं नाम अभी लेना नहीं चाह रहा, वो मेरा दोस्त है मुझे उसको ना बुरा लग जाएगा। अगर आप बात उन्होंने जिसका पहला एल्बम किया बिलाल का, आप देखें ब्लॉकबस्टर हिट गया। हाँ। बिलाल का एल्बम कहाँ से क्लिक किया? डॉक्टर ज़ियोस ने किया ना। ठीक है तो वो डॉक्टर ज़ियोस खुद गाना नहीं गाते। हाँ। तो वो वीडियो में ऐसे ऐसे क्यों कर रहे होते? क्योंकि डॉक्टर की खुद की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और मैं आपको क्लियर करूं ये जितने आर्टिस्ट हैं ना जितने सिंगर्स हैं ये उनसे रिक्वेस्ट करके उनको कहते हैं कि आप हमारी वीडियो में आएं। तो वैसे वो करते क्या है जब वो गाना नहीं गाते? कुछ भी नहीं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, काम सिर्फ शक्ल की फैन फॉलोइंग है। और ये एक रजिस्टर एक साइन है कि डॉक्टर जब खुद आता है ना तो वो ना चाहते हुए भी पता लग जाता है अच्छा यार इस गाने को डॉक्टर ज़ियोस ने बनाया हुआ है। अच्छा ये वो गाने बनाते हैं मुझे आज तक शाहरुख की मूवी का मैं लवली हो गई यार नाम तेरा लग गया वो भी उन्होंने गाया था सब उनके उसके म्यूजिक डायरेक्टर में। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ये अच्छी बात। अच्छा आपकी जो एक वीडियो ठीक है यही वाली डॉक्टर ज़ियोस के साथ जो थी बेवफा उसके 12 मिलियन व्यूज है ऑलमोस्ट, आपको नहीं लगता ये कम है? उस टाइम के मुताबिक 3 साल पहले के लिहाज से ये बहुत अच्छा रिस्पांस है मेरी नज़र में।
तीन साल के पहले, इसलिए कि वो जितने उनके वो टी सीरीज पे रिलीज हुई थी ना, टी सीरीज के तकरीबन 141 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, यानी अगर 141 लोगों ने उस पेज को लाइक किया हुआ, उसमें सिर्फ 12 ने आपकी वीडियो को क्लिक किया है। 12 ने? हाँ, नहीं नहीं, आप गलत काउंट कर गए, दोबारा करें। देखिए ना, अगर 141 लोग हैं, 141 में से 12 ने उसको क्लिक किया है। जिस वक्त गाना रिलीज हुआ था बेवफा, हाँ, उस वक्त 75 अच्छा मिलियन व्यूज थे, ठीक है, टी सीरीज के चैनल के, हाँ, आज से 3 साल पहले। ओके ओके, अब ये टाइम बाय टाइम बढ़ते जा रहे हैं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। और उस टाइम पे ये गाना मुझे लगता है कि जिस तरह प्रमोट होना चाहिए था, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हाँ। ज्यादती अगर हुई तो वो मेरा ख्याल है मेरी साइड से ही होगी, वहां से कोई नहीं हुई। नहीं, गाना बहुत अच्छा था, अगर थोड़ा सा ना मुझे लफ्ज़ सुना देना सॉन्ग के। दिल दिया लाके ना रोना, हर एक नु दसनिया, घर माही आ जा एक बारी, तेरी रापई तक निया, न कर मैनु कलिया, तेरी यादा मैं सांभ के रखनिया, एथरू पलका चो अपनी, दिन रात मैं सुटनिया, तू दिल साडा तोड़ गया है, क्यों मुख सा तो मोड़ गया है, कि मिले आ रोग जुदाई वाला, लाके दसते है जरा, बेवफा नल यारी लाके, लाके है तोड़ निभा के, दस मैनू की मिलिया। जबरदस्त है, बता ये गाना किसने लिखा है? ये मैंने लिखा है। आपने लिखा था, इसमें भी दुख और वो ना जुदाई वाला सीन है, तो ये आपकी लाइफ में ये जुदाई इतनी क्यों है? नहीं, वो आपको ये देखना चाहिए कि लोग आज सुनना क्या चाहते हैं। हाँ। हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है, डॉक्टर शेख साहब, 90% लोगों का दिल टूटा है। हाँ, हाँ, कोई तुसी मुंडा देख लो, वो ओनू जिंदगी च और कोई दुख होए ना होए, प्यार मोहब्बत का दुख जरूर होएगा। यस यस यस, मुझे है कि नहीं। हाँ। तो वो सुन के हर आर्टिस्ट को, ये हर बंदे को ये लगता है यार ये तो मेरी कहानी है। हाला उन्हें प्यार पावे शेख साहब 7 दफा होए, लेकिन हर प्यार पे उसको लगता है कि ये मेरी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे, इसलिए आपका भी दिल काफी दफा, नहीं नहीं एक दफा, एक दफा, एक दफा, वो आपने बता दिया था, उसकी शादी होगी, वो भाग गई थी, बड़ी खुश है, उसके 6 बच्चे जो आपको, भागी नहीं, इज्जत से शादी हुई डॉक्टर साहब, और बच्चा भी कोई नहीं। उसके बच्चे आपको क्या कहेंगे जो जब भी होंगे बच्चे? मामू, मामू कहेंगे ना, यस मामू, यस, कहना भी चाहिए, बनता है। हाँ, बनता है, बनता है, जब अब देखे कोई ना कोई रिश्ता तो रखना है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो इसके बाद फिर भाई से अच्छा रिलेशनशिप कौन सा? ये भी सही है कि नहीं, सदाबहार, ना टुकंदा दर्द। तो अच्छा, आपके ना, आप सब जो आपके फीमेल फैंस हैं होंगे, काफी ज्यादा होंगे, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? आप सबको कहते हैं आप सबके भाई हैं, या फिर आप हैंडल करते हैं जिस तरह आमतौर पर करते हैं, फ्लर्ट करना और इस तरह के करना? आपस की बात है, मैं सबको कहता हूँ मैं सबका भाई हूँ, मगर होते नहीं है। नहीं देखे, अब जो कुछ होते हैं जो नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करते, अक्सर लड़कियां कहती हैं भाई अपने अपने, मैं भी कहता हूँ चलो फिर अपने अपने, ठीक है डॉक्टर और शेख साहब, अब आदत हो जाती है बंदे। तो ये आप ये इतने डिसेंट जो है, ये एक्टिंग करते हैं या असल में इतने डिसेंट है? आपको क्या लगता है? है ना, मुझे लगता कहीं छुपा हुआ है कुछ, ऐसा कुछ है अंदर, कुछ है, कुछ कीड़ा है, कुछ है जो के ना बंदा अंदर ही है, ठीक है, मगर वो बाहर नहीं आ रहा। उस बंदे को मैंने शेख साहब एक साइड पे लगा दिया, पहले था, आता है कभी कभी, आता जरूर, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, यानी जब मूड हो तो फिर, तो बिल्कुल फिर, अदरवाइज मैं कहता हूँ नहीं यार, हाँ पट्टे चक देंगे, हाँ नहीं तो फिर जी, ज्यादातर ये एक्टिंग ही हो रही होती है, ज्यादातर एक्टिंग, बिल्कुल। हाँ नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, और शेख साहब बहुत मुश्किल है, मतलब रोज उठ के एक ही एक्टिंग करना, रोज उठ के एक ही एक्टिंग करना, डिसेंट बन के बैठना, ये वो, थक गया हूं, बहुत मुश्किल है। आप हर बंदे से इतने प्यार से बात करना, बस हो जाती है, बिल्कुल आज तो बंदे की यार, बिल्कुल आज के बाद से खत्म, फिर बंदा कहता है यार तन्नू ही तेरी में, शेख साहब मुंह थक जाता है प्यार से बात कर करके, कर करके जबड़े दर्द होने लग जाते हैं, अगले को इतना प्यार क्यों बंदा दे यार, बिल्कुल, हाँ सारा आया हो जाता है ऐसे ही, आगे थोड़ा प्यार बांटे, हाँ वो, और बिल्कुल, अब तो मुझे कुछ जरूरत है कि मैं कट्ठा करके अपना कोटा पूरा करूं, हाँ आगे भी आपने बांटने, आपने 2-4 शादियां करनी है आगे, उसके लिए बचा के रखे हैं। आपकी जुबान मुबारक हो,
नहीं नहीं चलें, जब एक होगी उसके बाद अगली होगी ना। नहीं मान रहा आप मेरी चार चार करवा रहे हैं। चलें पहले एक हो जाएगी ना, तब आप तौबा कर लेंगे क्या, फिर आप कहेंगे यार एक क्यों कर ली मैंने। टाइम आएगा ये भी, चलें देखते हैं। आने दें आने दें आने दें। अच्छा मुझे बताएं कि ना आपने पिछले 5 महीने जो आपका आखिरी गाना रिलीज हुआ था ना, वो 5 महीने पहले हुआ था वीडियो, ठीक। तो मुझे बताएं पिछले 5 महीने में आपने कोई काम नहीं किया, या तो आपका गला खराब पिछले 5 महीने, या तो आपका दिल नहीं चाह रहा, या आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या वजह? पिछले 5 महीने में शेख साहब बहुत काम किया, सारे काम रुक गए थे। वीडियो रुक गया था, ठीक है, फैशन शोज रुक गए थे, कॉन्सर्ट्स रुक गए थे, सिर्फ एक काम चल रहा था और वो था ऑडियो रिकॉर्डिंग का। अच्छा वो चल रहा है। मैं माशाल्लाह बता रहा हूँ कि अब ये आपके शो पे ही पहली बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर ज़ूस के साथ मेरा पूरा एल्बम आ रहा है। जी। तो वो खुद अपने गाने गाए हैं उसमें? सारे गाने मेरे खुद के, खुद एज अ सिंगर। राइटर भी मैं हूँ, कंपोजर भी मैं हूँ, सिंगर भी मैं हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर डॉक्टर ज़ूस है। तो इस जो टाइम को जो गुजरा है ना, उसमें हमने अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को यूटिलाइज किया है। ये लॉकडाउन खुलने दे, बैक टू बैक गाना आएगा, एक एक डेढ़ डेढ़ माह बाद एक गाना। आपके पास गाने पड़े हुए हैं छुपा के? शेख साहब मेरे पास 150 गाना पड़ा हुआ है, 150 अपनी जात के लिए, 150 गाना जी सिर्फ अपनी जात के लिए। मैं लोगों के गानों की बात नहीं कर रहा जो मैं लोगों को करके देता हूँ। फिर आप करें वो ना संभाल के रखें, वो ना करें, रिलीज ना करें, ऐसी रिलीज हो गया तो लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, इसलिए तो संभाले मैं नहीं संभाल, मुझे डर लगता है। तुम आपको चाहिए था बस साथ साथ रिलीज करते रहे शेख साहब। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि आपने पिछले 5 महीने में कोई काम नहीं किया, अगले लोग भी यही सोच रहे होंगे। शेख साहब इसकी 2 वजूहात है। टी सीरीज के पास मेरे 13 गाने पड़े हुए हैं इंडियन मूवीज के लिए, वो इसलिए रिलीज नहीं हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात नहीं ठीक, ठीक है। एक यहाँ से आगे जो है वो बीच में गैप आ गया, ठीक है। दूसरा गैप ये आ गया कि देखिए शेख साहब, 5 माह में 4 से ज्यादा बंदे नहीं खड़े हो सकते थे, शूटिंग करने जाए पता लगे 6 महीने अंदर हो गए हैं। वो भी तो उस चीजों को भी तो मद्देनजर रखना है। 4 बंदे ना यूज करें, खुद ही मतलब कैमरा लगा के आप सारे, नहीं नहीं सारे रोल आप खुद ही कर लेना आजकल ना। नहीं डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी आ गई हुई है। मैं बता दूं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मुझे आदत ना डालें, पता लगे मैं जो है लाइव जा रहा हूँ और मैंने सलवार कमीज पहनी हुई है तो दुपट्टा लेता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो वो इसलिए मैं ऐसी आते नहीं। अच्छा नहीं डालना चाह रहे, नहीं। अच्छा अच्छी बात है, आपका एक गाना मुझे याद है, PTI का गाना था, कुछ साल पहले आपने गाया था, ठीक है, पता नहीं गाया था इमरान आया के नाम से, ठीक है जी, आपको याद है? वैसे बहुत अच्छी तरह। तो मुझे बताया, आपको भी तकलीफ होती है कि आपने क्यों किया है वो गाना या क्या किया है, और लोगों को आपने बड़ा मोटिवेट किया था, ठीक है, ये लाइव सुने कि सुत्ती कौम नु जगान आया रे, ठीक है, पैसा कढ़ान आया रे, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, हाँ कौम तो बेचारी सुती और सो गई। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। पैसा क्या, पैसा कोशिश में लगा रहा था मगर नहीं कदा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 1 रुपया नहीं मिला, मैंने PTI के 7 गाने बनाए हैं, 7 गाने, और आज मैं वाकई बैठ के कहूंगा देखें हमने सब लोगों को आजमाया ना, 25-25, 30-30 साल। अभी जिन जिन लोगों ने खान साहब को वोट दिया इंक्लूडिंग मी, वो समहाउ कहीं ना कहीं नाखुश है, मैं ये बात करूं, लेकिन फिर भी ये 5 साल अभी वो डिजर्व करते हैं, 5 साल बाद देखेंगे, इलेक्शन आने है ना, वोट तो हम नहीं देना। अच्छा, ना 6 गाने बनाए थे, 7 गाने पीटी, 7 गाने बनाए थे तो जी। आपको एक और बात बताऊं, मियां साहब पे गाना आया था क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला, हाँ हाँ वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है आपके तो धुन लिख गया आप पे, बड़ा गुस्सा होंगे। मैंने जिस दिन गाना बनाया था ना क्यों निकाला मुझे, हाँ। उसके 2 दिन बाद मैं इंग्लैंड चला गया था, मैं कौन मैनू लभदे रहो, फिर 3 महीने बाद वापस आया था मैं। तो मुझे बताया PTI के लिए इतने गाने बनाए, मैं किसी ने आजकल के टाइम पे आपको कहा है दूर फटे मुंह का है? बड़ों ने कहा है ना, तो आपको थोड़ा सा वो महसूस नहीं होती कि यार क्या सोचा था? ठीक है, क्यों महसूस होगा शेख साहब, क्यों महसूस होगा, थोड़ा सा होना चाहिए। मेरी बात सुने, एक सारी चीजें एक तरफ के ये का वो नहीं किया, वो का वो नहीं किया, शेख साहब जब हम बाहर जाते हैं ना, हाँ। आज जो हमारी बाहर के मुल्क में रिस्पेक्ट है ना, जो इज्जत है, हाँ। वो पहले दौर में कभी भी नहीं थी ये चीज। नहीं मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकता, पैसे नहीं है ना इतने, बाहर जाने पे खर्चा होता, तो मैं तो नहीं गया ना।
मुझे तो नहीं पता बाहर भी गया या नहीं। नहीं नहीं वो तो गया। हाँ, फिर ठीक है। मगर रिस्पेक्ट नहीं होती मेरी, कहीं भी जाओ नहीं होती। बाहर भी यही साहब है। हाँ हाँ। तो आप कार थे, आपने भी पीटीआई को वोट दिया था या फिर अल्हम्दुलिल्लाह गाने उनके बना के वोट आपने वाले को दे दी? जिंदगी में पहली दफा वोट कास्ट किया था और हमने पूरी फैमिली ने जाके पीटीआई को वोट दिया था। मैंने भी अपने अब्बू को ठीक है कन्विंस करके इमरान खान को वोट कराया था, और आज मुझे वो ना रोज, जब भी मैं रोज उनके सामने से गुजरता हूँ मुझे ताना मारते हैं वो, यार तुम्हारे कहने पे मैंने वोट दिया। पढ़ते हैं डॉक्टर साहब हमें, शेख साहब हमें भी पढ़ते हैं, लेकिन बात हुई अभी 5 साल इंतजार करें, 30 साल दिए ही है ना शेख साहब, 2 साल पीछे रह गए हैं, लग जाने जी, देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं। अभी वो उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान ने भी कहा है कि यार ये जो वबाई मर्ज आ गया हुआ है इसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, तो अब तो भूल जाए कि हमारा मुल्क आगे जाए। वो तो वैसे ही शुरू से ही बहुत पीछे, तो इसका मतलब है पीछे ही जाएगा ना, आप तो हालात ठीक होने का कोई चांस नहीं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप 2023 गुजर लेने दें, उसके बाद आप देखें हालात कैसे सही होते हैं। चलें 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 चलें, एक ना सेगमेंट है ठीक है आपके साथ, मैं खेलना चाह रहा हूँ इशारे, ठीक है मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करके बताऊँगा, ठीक है आपने बताना है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है आप, आपको तो पता ही होगा कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं ये मैं क्या बता, गिटार? नहीं नहीं ये वो बजा रहा हूँ बांजो, बांजो जो होता है। अच्छा तुसी सारे इंस्ट्रूमेंट लब के रखे ने कि जेड़ो मैं एक बोलना तो आप दूसरा जवाब दे दें। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बता, मैं ये क्या बताऊँ? दो बताऊँगा, ये आप बजा रहे हैं वो शहनाई? नहीं, और दूसरा कौन सा? दूसरा, दूसरा बाजा बांसुरी बजा रहा हूँ, बांसुरी। डॉक्टर साहब ये केड़ी बांसुरी है जड़ी इंज बजती है? बांसुरी ऐसे बजती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे वाली भी होती है? नहीं नहीं, ऐसे वाली होती है, होती नहीं डॉक्टर साहब। बांसुरी की फूक यहाँ से ये होंठों से नीचे आनी चाहिए, तुसी लाजमी है बिसुरी बजा रहे हो। बचपन में मैं ऐसी वाली बजाता था। आपने कभी हीर राजा की पिक्चर नहीं देखी? ऐसे उसने बांसुरी पकड़ी होती है। वो और होती, ठीक है वो वाली होती, एक होती जो मुंह वाली होती है, ठीक है एक होती है ये वाली, एक होती ये वाली, ठीक है मैं ये वाली बजाता हूँ। अच्छा मुझे बताएं ये ये क्या बजा रहा हूँ? ये आप डोर लगा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये आप मैं डोर से वायलिन बजा रहे हैं? वायलिन बजा रहा हूँ। हाँ ये आपका सही हो गया, शुक्र है ये सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं ये क्या बजा? ये कॉर्डियन। कॉर्डियन क्या होता है? नहीं मैं बाजा बजा रहा हूँ, बाजा बड़ा वाला बाजा। ये पता है कौन सा बाजा है जो बंदा बंदे को कहता है वे तेरा बाजा बजाता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये मुझे बताएं ये मैं क्या करूँ? ड्रम। ये मैं इलेक्ट्रिक ड्रम बजा रहा हूँ, जो नए वाले हैं ड्रम के साथ इलेक्ट्रिक, दूसरा वाला नहीं जो आप कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं ये मैं कीबोर्ड पियानो? नहीं नहीं नहीं, ये मैं सितार बजा रहा हूँ सिर्फ, उसके बगैर, उसके बगैर सिर्फ ऐसे सितार। सर तुसी सितार नु भी लमा पाते हैं? हाँ। सितार तो ऐसे बजाते हैं ऐसे? नहीं नहीं वाला होता है उसको क्या कहते हैं? बैंजो? नहीं नहीं वो जो होता है इसको क्या कहते हैं? हारमोनियम। हाँ हारमोनियम, हारमोनियम वाला सितार। हारमोनियम वाला केड़ा सितार? अच्छा वो डॉक्टर साहब ये फर्क चीज होती है, आप ये किसी खान साहब के सामने ये इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे ना कह दीजिएगा। यार मेरा ख्याल है मेरे इंस्ट्रूमेंट सारे ना खराब ही हैं ऊपर, है ना ऐसे ही है। चलें आप ना हार गए, कोई ऐसा मसला नहीं है, छोड़ दें छोड़ दें। अच्छा लास्ट एक है मुझे ना, ये मशवरा राउंड, उल्टा मशवरा राउंड, आपने ना ऑडियंस को ना उल्टे मशवरे देने हैं, ठीक है सबसे पहले सिंगिंग पे लोगों को ना उल्टा मशवरा देने। सिंगिंग पे यही है कि अगर आवाज़ बेहतर करना चाहते हैं ठीक है इमली टका के खाएं, ठीक है गोल गप्पियां ना जेड़ा डॉक्टर साहब खट्टा नहीं मिलता वो टका के पिए, उससे आवाज में जो खरज होगी ना वो आवाज को बिल्कुल कमाल कर दे, गर्लफ्रेंड्स पे उल्टा मशवरा दे। गर्लफ्रेंड में क्या रखा है? मुंडे पसान आए देखें, देखें डॉक्टर साहब बॉयफ्रेंड्स। हाँ लड़की छोड़ेगी लड़का कभी भी नहीं छोड़ेगा,
ये फैक्ट है। क्या चीज? बंदा किसको? हाँ यस 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 ठीक है ठीक। अब आप गलत साइड जा रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, आजकल के हालात पे उल्टा मशवरा दे। आजकल लोगों को क्या करना चाहिए? आजकल के हालात पे घरों से बाहर निकलो, खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिरो, हो गई रहना। ऐसे भी साड़ी सोचते हैं ही है। क्या घरों में कब तक कैद रहोगे? क्रिकेट श्रिकेट खेलो, बाहर दोस्तों में घूमो फिरो, गेट टुगेदर करो, एंजॉय करे डॉक्टर साहब, हंसते खुशी जाए। इस बात पे आपको जो कुट पड़ सकती है ना आपकी सोच है। देखिए गलत, आपको इस बात पे जेल भी हो सकती है। पता है आपको कहा किसने? आपने कहा है? आप बहुत अच्छे। हाँ उन्हें अपना किधरे वो क्लिप कट के मेरा कल्ले धर ला। मैं तो यही करूंगा। हाज़रीन, इसी के साथ मैं अपना शो ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए और मेरे साथ आज मौजूद है सिंगर उमर मलिक साहब, इनको भी इजाज़त दीजिए। आपने खुदा हाफिज़ करना। थैंक यू सो मच और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप प्लीज़ सब लोगों को कह दें इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, देखिए शेख साहब के चैनल को और इनके शोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना। पहले भी जो शेख साहब की सारी रिकॉर्डिंग है जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।